बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हमारा अगला टॉपिक है रिपोर्ट की बनावट या ढांचा, स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ अ रिपोर्ट, बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 31। रिपोर्ट की बनावट या ढांचा, रिपोर्ट को बुनियादी तौर पर, इसके ढांचे को बुनियादी तौर पर हम तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक इब्तदाई मवाद है, दूसरा मतन है और तीसरा इख्तितामी मवाद। यानी एक रिपोर्ट को जब हम बनाते हैं, लिखते हैं, तो उसके स्ट्रक्चर जो है तीन हिस्सों पर मुश्तमल हो सकता है। फ्रंट फॉर्मेट, फ्रंट मैटर है, मेन बॉडी है और बैक मैटर। अब इन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इब्तदाई मवाद के बारे में, रिपोर्ट की बनावट की मुख्तलिफ अकसाम के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। रिपोर्ट की बनावट मुख्तलिफ अकसाम के लिए मुख्तलिफ होती है। ताहम रिपोर्ट के मकसद, वसत और मवाद के मुताबिक इसकी बनावट के मराहल मुरतब किए जाते हैं। मुख्तलिफ अनासर को दर्ज करने के लिए ये तरतीब होती है और रिपोर्ट आलमोस्ट कमोबेश इसी तरतीब से लिखी जाती है। जैसे कि मैंने मजीद बताया आपको कि तीन बुनियादी तौर पर रस्मी रिपोर्ट को तीन हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, इब्तदाई मवाद, मतन और इख्तितामी मवाद। इब्तदाई मवाद यानी फ्रंट मैटर, इसमें ये चंद पॉइंट आपके सामने लिखे हैं कि फ्रंट मैटर में कौन कौन सी लॉन्ग रिपोर्ट, रस्मी रिपोर्ट, लॉन्ग रिपोर्ट का ये सारे पार्ट्स बयान किए जा रहे हैं। सबसे पहले है कवर। कवर रिपोर्ट के बारे में इब्तदाई तासुर देता है, इस पर ज़्यादा मालूमात नहीं लिखी जानी चाहिए ताकि पढ़ने वाले की तवज्जो तकसीम ना हो और रिपोर्ट के ढांचा की कशिश ख़राब ना हो। कवर अपने नाम और पता के साथ छपवाए जाते हैं, इस पर ये अनासर अहम नुका जो हैं या तो खूबसूरत अंदाज में लिखे होते हैं या टाइप करवा लिए जाते हैं। मसलन रिपोर्ट का उनवान क्या है वो लिखा जाता है, रिपोर्ट का नंबर लिखा जाता है और इस पर रिपोर्ट लिखने की तारीख लिखी जाती है और इसकी क्लासिफिकेशन कि ये खुफिया है, आम है या इंतहाई खुफिया रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ें कवर के ऊपर लिखी जाती हैं। ये नुकात जो लिखे जाते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको कि रिपोर्ट का उनवान, रिपोर्ट का नंबर, रिपोर्ट की तारीख, रिपोर्ट की दर्जाबंदी यानी खुफिया है, इंतहाई खुफिया है, ये नुकात हैं अहमियत, रिपोर्ट की अहमियत की निशानदेही करते हैं। फ्रंट कवर की अंदरूनी और बैक कवर की अंदरूनी व बैरूनी साइड्स अमूमन खाली छोड़ दी जाती हैं। दूसरे नंबर पर है सरे वर्क की शक्ल, फ्रंटिस्पाइस। मुजल्लद रिपोर्ट्स में अमूमन, मुजल्लद यानी जिनको जिल्द किया जाता है, अमूमन सरे वर्क की शक्ल भी बनाई जाती है। फ्रंट पेज की जो शक्ल होती है, टाइटल जिसको हम कहते हैं, जो कि तस्वीर, नक्शाजात या डायग्राम्स की सूरत में हो सकती है, ये रिपोर्ट पढ़ने वाले अफराद की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराती है और उनके तजस्सुस को उभारती है। तीसरे नंबर पर इब्तदाई मवाद में रिपोर्ट लिखने के ढांचा में, स्ट्रक्चर में, इब्तदाई मवाद में है टाइटल पेज, सफाए उनवान। अमूमन ये रिपोर्ट का पहला सफ़ा होता है। कवर पर जो मालूमात दर्ज होती हैं, इनके अलावा इस पर ये भी नुकात दर्ज होते हैं। मसलन इसमें ज़ैली उनवानात होते हैं, मुसन्नफ़ का नाम होता है और रीडर या उस अफसर का नाम जिसके लिए रिपोर्ट लिखी गई है, और मंसूबा का नाम भी दर्ज होता है और मंसूबा का नंबर भी दर्ज होता है, यानी प्रोजेक्ट का नाम और नंबर भी दर्ज होता है, और मंजूरी की लिस्ट भी अटैच होती है और तकसीम की लिस्ट वगैरह भी इसमें शामिल होती है। बाज़ अवक़ात रिपोर्ट जमा करवाने से पहले बाज़ अफराद से इसकी मंजूरी लेना भी ज़रूरी होता है, इस सूरत में उस अफसर का नाम भी सफाए उनवान पर लिखा जाता है जो रिपोर्ट की मंजूरी देता है। इसी तरह बाज़ अवक़ात जिन अफराद या अफसरान को रिपोर्ट भेजी जाती है उनके नाम भी इस पर लिखे जाते हैं। अगर अफराद के नाम ज़्यादा हों तो उनकी अलहदा लिस्ट भी तैयार की जा सकती है। बाज़ अदारों में मुलाज़मीन की सहूलत के लिए ये सफहात छपे हुए भी होते हैं, प्रिंटेड फॉर्म में मौजूद होते हैं। फोर्थ नंबर पर इब्तदाई मवाद रिपोर्ट के स्ट्रक्चर में है कॉपीराइट नोटिस, या जिसे हम हक़ तसनीफ़ या तालीफ़ का नोटिस भी कहते हैं। अगर रिपोर्ट को शाया करवाना मकसूद हो तो सफाए उनवान के अंदरूनी तरफ हक़ तसनीफ़ का नोटिस भी लिखा जाता है। मसलन इस तरह लिखा हो सकता है, जुमला हकूक बहक मुसन्नफ महफूज हैं, कोई साहब बिला तहरीरी इजाज़त मुसन्नफ के इस किताब का कोई इकतबास शाया करने का मजाज नहीं। इस तरह के फिक्रों को, इस तरह के जुमलों को हक़ तसनीफ का नोटिस कहा जाता है। पांचवें नंबर पर है हमारे पास फ्रंट मैटर में, रिपोर्ट के फ्रंट मैटर में ख़त तरसील, फारवर्डिंग या ट्रांसमिटर लेटर।
خط ترسیل رپورٹ کے مصنف کی طرف سے مطالعہ کنندہ یعنی ریڈر کے نام ہوتا ہے، یعنی رپورٹ کو ریڈر تک ارسال کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں خط ترسیل جو ہے فارورڈنگ لیٹر جو ہے رائٹر کے خیالات کو ریڈر تک پہنچاتا ہے، یہ براہ راست انداز میں لکھا جاتا ہے۔ اس میں رائٹر رپورٹ کے نفس مضمون کی آئیڈینٹیفیکیشن کرواتا ہے اور موضوع کے متعلق مختصراً بتاتا ہے کہ رپورٹ سے کس طرح فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ریڈر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر وہ بات شامل کرے گا جو اسے رپورٹ سمجھنے میں آسانی پیدا کرے۔ اب فارورڈنگ لیٹر کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک کورنگ لیٹر ہے اور ایک انٹروڈکٹری لیٹر ہے۔ دونوں خطوط ہی بنیادی طور پر رپورٹ کے مطالعہ کنندہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ کورنگ لیٹر صرف رپورٹ کی ترسیل کے ریکارڈ کے طور پر ہوتا ہے اور یہ رپورٹ کے ساتھ منسلک نہیں کیا جاتا کیونکہ اس میں کوئی خاص معلومات نہیں ہوتی، جبکہ انٹروڈکٹری یا تعارفی لیٹر تقریباً دیباچہ کی طرز پر ہوتا ہے، پریفیس کی طرز پر ہوتا ہے جو مطالعہ کنندہ کو بھیجا جاتا ہے، جس میں رپورٹ کے عنوان کے علاوہ رپورٹ کی وسعت، اس کے مضامین اور رپورٹ لکھنے کا مقصد درج ہوتا ہے۔ رپورٹ لکھنے کی اتھارٹی کے علاوہ ان افراد اور اداروں کا ذکر بھی ہوتا ہے جنہوں نے رپورٹ لکھنے میں مدد کی۔ رپورٹ کی حدود کے ساتھ ساتھ اس پر مزید محنت کرنے کی ضرورت بھی درج ہوتی ہے۔ یہ خط عموماً صفحہ عنوان کے بعد رپورٹ سے منسلک ہوتا ہے۔ سکس نمبر پر ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ابتدائی مواد میں ہے، پریفیس یعنی دیباچہ رپورٹ کا تعارف ہوتا ہے، یہ بھی مطالعہ کنندہ یعنی ریڈر کو رپورٹ کے ساتھ ہی پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں تقریباً وہی نکات ہوتے ہیں جو فارورڈنگ لیٹر کے تعارفی خط میں ہوتے ہیں۔ دیباچہ کو خط ترسیل سے یعنی پریفیس کو فارورڈنگ لیٹر سے الجھا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ دیباچہ جو ہے، پریفیس جو ہے، مصنف رائٹر خود لکھتا ہے، جبکہ خط ترسیل عموماً رسمن یا رواجن ایک ماہر متعلقہ شعبہ ہی لکھتا ہے، مختصر رپورٹ میں یہ عموماً نہیں لکھا جاتا۔ سیون نمبر پر ہے ہمارے پاس رپورٹ کے ابتدائی مواد فرنٹ میٹر میں اجازت نامہ اکنالجمنٹ۔ جب مختلف افراد یا اداروں نے رپورٹ لکھنے میں مدد کی ہو یا رپورٹ میں پہلے سے چھپے ہوئے مواد میں سے کچھ مواد آپ نے اپنی رپورٹ میں شامل کیا ہو اور جن ذرائع سے رپورٹ لکھی ان کی لسٹ لمبی ہو، تو پھر اس عنوان کے تحت واضح طور پر یہ لکھا ہونا چاہیے کہ جملہ حقوق کی پہلے سے اجازت حاصل کر کے ہی مواد دوبارہ لکھا گیا ہے، اور اسے اجازت نامہ کہتے ہیں، یہ بھی فرنٹ میٹر میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آٹھویں نمبر پر ٹیبل آف کانٹینٹس، فہرست مضامین۔ اگر رپورٹ طویل ہو، فرض کریں 10 صفحات سے زیادہ ہے، تو 10 صفحات، 20, 30, 40, 50, 100 صفحات، 200, 500, 1000 صفحے کی رپورٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ زیادہ لمبی رپورٹ ہے، بڑی طویل رپورٹ ہے، تو فہرست مضامین بھی مرتب کی جاتی ہے، یعنی ٹیبل آف کانٹینٹس بھی بنائے جاتے ہیں۔ اس کا مقصد ریڈر کو موضوع سے متعلقہ مخصوص مواد کی جلد اور آسانی سے فراہمی ہے، اسے ریڈر کی مدد سے آسانی سے معلومات اس کی مدد سے ریڈر کو آسانی سے معلومات حاصل ہو جائیں گی اور آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہ مطلوبہ مواد رپورٹ میں کہاں کس صفحہ پر ہے۔ فہرست مضامین میں عنوانات اور ذیلی عنوانات درج ہونے چاہیے اور ان کے صفحات نمبر بھی درج ہونے چاہیے، اور دہرائی کرتے وقت صفحات کا نمبر اچھی طرح چیک کر لینے چاہیے کہ واقعی متعلقہ عنوان یا ذیلی عنوان صحیح صفحہ پر ہیں۔ رپورٹ اگر 4 یا 5 صفحات پر مشتمل ہو، تو پھر بھی یہ بہتر ہے کہ یہ فہرست مرتب کر لی جائے۔ فہرست مضامین تیار کرتے وقت چند نکات جو ہیں ان کا مطالعہ معاون ثابت ہو سکتا ہے، ان کا سمجھنا معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ مثلا پہلے نمبر پر کہ فہرست مضامین یعنی ٹیبل آف کانٹینٹس صفحہ کے درمیان میں سب سے اوپر لکھیں، اس کے بعد 3 یا 4 لائنیں چھوڑ کر پہلا عنوان لکھیں، اس کے بعد عنوانات اور ذیلی عنوانات کے درمیان مناسب وقفہ رکھیں، اور آخر میں صفحہ کے چاروں اطراف مناسب جگہ خالی چھوڑیں۔ 9 نمبر پر ہے ہمارے پاس لسٹ آف الیسٹریشنز،
यानी फहरिस्त तमसीलात, फहरिस्त तमसीलात का खाका में खाका भी फहरिस्त मजामीन जैसा होता है। अगर रिपोर्ट में गोशवारे, मिसालें, चार्ट्स और आदाद व शुमार खासी तादाद में हों तो फहरिस्त तमसीलात को फहरिस्त मजामीन के फौरन बाद लिखना चाहिए। फहरिस्त तमसीलात भी में भी तमसीलात के नंबर, उनवान और सफ़ा नंबर दर्ज होते हैं। टेंथ नंबर पर है एब्स्ट्रैक्ट एंड समरी, खुलासा और इख्तसास, ये भी फ्रंट मैटर में रिपोर्ट के होता है। तवील रिपोर्ट्स में खुलासा या इख्तसास भी होता है। इख्तसास में इख्तसास यानी समरी में रिपोर्ट बगैर किसी वजाहत और तशरीह के मुख्तसरन बयान की जाती है। इसमें तमाम अवामल, हकायक, तजर्बात, नताइज और सफारशात पर रोशनी डाली जाती है। इसका असल मकसद मुतालिया कुनिंदा यानी रीडर की तवज्जो अहम नुकात की तरफ मबजूल कराना है, ताकि वो अपने मसरूफ वक़्त में से थोड़े से वक़्त में इसके मुतालिया से मालूमात का नचोड़ हासिल कर सके, बजाय इसके कि वो तफसील से मुकम्मल रिपोर्ट पढ़े। बाज़ अदारों में खुलासा या इख्तसास की साइक्लोस्टाइल या फोटोकॉपी करवाकर मुतलका अफसरान को भी दी जाती है। बाज़ मुसन्निफीन के ख्याल में खुलासा और इख्तसास में फ़र्क पाया जाता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट और समरी में फ़र्क है, और अक्सर इस बात पर रजामंद हैं कि खुलासा असल मवाद का 2-5% होता है, यानी खुलासा असल मवाद का 2% या 5% होता है, जबकि इख्तसास समरी जो है वो 5% से 10% होती है। अल मुख्तसर हम कह सकते हैं कि खुलासा या इख्तसास की रिपोर्ट में ज़रूरत है कि नहीं, और आया कि इसी रिपोर्ट में शामिल भी करना चाहिए कि नहीं, इसका इन्हिसार दो चीज़ों पर होता है। नंबर एक, रिपोर्ट की तवालत कितनी है। नंबर टू, रीडर की ज़रूरत कितनी है। इन दोनों बातों को मद्देनजर रखकर हम अगर चाहें तो इख्तसास और खुलासा को रिपोर्ट में शामिल कर सकते हैं। मुख्तसर रिपोर्ट जो 2 या 3 सफ़ात पर मुश्तमल होती हैं उनमें खुलासा की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि रीडर उन्हें आसानी से पढ़ सकता है। तो जनाबे वाले, ये आपके सामने थे फ्रंट मैटर, रिपोर्ट के फ्रंट मैटर के तमाम नुकात, इनको मद्देनज़र रख कर तैयार करके रिपोर्ट में शामिल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रिपोर्ट का मतन या मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। इसमें रिपोर्ट की बनावट दूसरा हिस्सा जो है, अहम तरीन हिस्सा रिपोर्ट का मतन मेन बॉडी है। मतन से पूरी बात वाजे होती है। यह हिस्सा किसी दूसरे हिस्सा का मोहताज नहीं, बल्कि रीडर दूसरे हिस्सों की मदद के बगैर भी सारी बात समझ सकता है। इसकी तरतीब मुख्तलिफ अदारों में मुख्तलिफ हो सकती है। ख़ास तौर पर तकनीकी नौइयत की रिपोर्ट्स मखसूस तर्ज पर लिखी जाती हैं। बहरहाल मतन की तरतीब भी ज़रूरत के मुताबिक बदली जा सकती है। मतन में जो तरतीब अमूमन अपनाई जाती है वो आपके सामने पॉइंट्स की सूरत में मौजूद है। देखिए, नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन, सबसे पहले बॉडी जब एक्सप्लेन की जाती है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। दूसरे नंबर पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, नफ्से मजमून की वजाहत है। तीसरे नंबर पर कंक्लूजन शामिल होते हैं, और चौथे नंबर पर जो तरतीब मतन की है उसमें रिकमेंडेशन, सिफारशात शामिल होती हैं। अब इनको सब पॉइंट्स को 1 by 1 हम डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन, तारुफ में क्या होता है। तारुफ से रिपोर्ट के मतन का आगाज़ बेहतर तरीके से होता है, और ऐसा रीडर जो पहले से मौजू के मुतल्लक कुछ नहीं जानता वो इससे बेहतर तरीक़ा से मालूमात हासिल कर लेता है। मुतल्लका मौजू से पर मुतल्लका मौजू पर पहले कितना काम हो चुका है और मौजूदा सूरत हाल में कौन कौन से इकदाम किए गए हैं, इनका तारुफ इसमें मौजूद होता है। तारुफ में चंद नुकात जो होते हैं वो आपके सामने रखता हूँ। जैसे पहले नंबर पर कह सकते हैं कि रिपोर्ट का तारीखी और तकनीकी पस मंज़र इसमें होता है। तारुफ में मौजू की वसत और उसकी हदूद का तयन किया जाता है। तारुफ में मवाद इकट्ठा करने के तरीके और ज़राए बयान किए जाते हैं, और इसके अलावा तारुफ में रिपोर्ट की अथॉरिटी और शरायत हवाला जात यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के बारे में जिक्र होता है, और इसके तारुफ में मखसूस इस्तलाहात की तारीफ, अगर तारीफ महदूद हो तो उसका भी जिक्र किया जाता है इंट्रोडक्शन में। रिपोर्ट का दूसरा मतन का पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर यानी नफ्से मज़मून की वजाहत। इस हिस्सा में नफ्से मज़मून की वजाहत होती है।
रिपोर्ट से मुतल्लिका तमाम मालूमात की वजाहत इस उन्वान के तहत की जाती है। ये मुख्तलिफ उन्वानात और ज़ैली उन्वानात पर मुश्तमल होता है। इस हिस्सा का असल और बुनियादी मकसद मालूमात को एक मुनज़्ज़म तरीके से पेश करना और मालूमात की अहमियत, तज़ज़िया और नताइज की वजाहत भी करना है। बाज़ औक़ात उन्वानात और ज़ैली उन्वानात के आखिर में भी नताइज वगैरह दिए जा सकते हैं, और अगर मालूमात बहुत ज़्यादा हों तो उनके नताइज आखिर में नोट की सूरत में दिए जा सकते हैं और तफसील, ज़ायदा, तालीका, अपेंडिक्स में दी जा सकती है। तीसरे नंबर पर रिपोर्ट के मतन का हिस्सा है कंक्लूजन्स यानी नताइज। अमूमन नताइज रिपोर्ट की मालूमात के रिमार्क्स होते हैं, नताइज रिपोर्ट की मालूमात के रिमार्क्स होते हैं। इनका मकसद रिपोर्ट की वजाहत का इख्तिताम होता है और मुतालिया कुनिंदा यानी रीडर को ये बताना भी मकसूद होता है कि रिपोर्ट का इख्तिताम हो चुका है, लेकिन बतौर रिपोर्ट के हिस्सा के ये इस्तलाह रिपोर्ट से मुतल्लिका मालूमात का मंतकी अंदाज में निचोड़ होता है। यह रिपोर्ट के लिए जिन मालूमात की तहकीक की गई है नताइज इन मालूमात का तज़िया होता है। इस मरहला में कोई नई बात नहीं होनी चाहिए बल्कि जो तहकीक की गई है उसका तज़िया होना चाहिए। अगर नताइज की तादाद ज़्यादा हो तो उनकी अहमियत के लिहाज से उन्हें तरतीब दी जानी चाहिए। बाज़ रिपोर्ट्स में हर उन्वान और ज़ैली उन्वान के मिनी नताइज भी लिखे जाते हैं, और रिपोर्ट की बॉडी में यानी मतन में आखिरी जो पॉइंट है रिकमेंडेशंस का सिफारशा। रिपोर्ट के मतन में ये सबसे आखिर में मौजू से मुतल्लक इकट्ठी की हुई मालूमात से नताइज अखज करने के बाद सिफारशात पेश की जाती हैं। इनसे मुराद ऐसी तजावीज़ हैं जो मुस्तकबिल में काम को बेहतर तरीक़ा से करने के बारे में होती हैं, और एक मसरूफ़ अफसर इस सिर्फ इसी हिस्सा को ज़्यादा तवज्जो से पढ़ता है और फैसला करता है। इसलिए जब भी सिफारशात लिखी जाएँ तो रिपोर्ट से सामने आने वाले तमाम सवालात के सभी पहलुओं को मद्देनज़र रखा जाए। रिपोर्ट के मतलब के ये चार पॉइंट कंप्लीट हुए। इसके बाद है हमारे पास इख्तितामी मवाद या मुलहिका हिस्से या बैक मैटर ऑफ द रिपोर्ट, कि रिपोर्ट लिखने के बाद एंड पे कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं। रिपोर्ट का मुकम्मल मतन मुकम्मल करने के बाद इख्तितामी हिस्से जो हैं वो आपके सामने पांच पॉइंट एक्सप्लेन किए। एक अपेंडिक्स होता है, एक लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस है, बिब्लियोग्राफी है, ग्लॉसरी है और इंडेक्स है। इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले अपेंडिक्स या तालीका, जिसे हम उर्दू में तालीका या जायदा कह सकते हैं, यानी तालीका भी रिपोर्ट का अहम हिस्सा है। इसमें वो मवाद दर्ज होता है जो नफ्से मज़मून यानी सब्जेक्ट मैटर पढ़ने में मुआवन साबित हो लेकिन मतन में इसकी गुंजाइश ना हो, यानी इसमें सानवी हैसियत का मवाद दर्ज होता है जिसे मतन में गैर ज़रूरी तवालत से बचने के लिए नहीं लिखा जाता। इसमें इस किस्म का मवाद हो सकता है, मसलन सवालनामा जात जिसके ज़रिए मालूमात इकट्ठी की गई हैं, शुमारियाती मालूमात की तफसील हो सकती है, फार्मूलों के नमूने हो सकते हैं, गोशवारे, ग्राफ और मिसालें जो मतन में मौजूद तौर पर ना लिखी जा सकें वो हो सकती हैं, अलामात हो सकती हैं, सिंबल्स, तारीफ़ें हो सकती हैं, खाका जात हो सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की इस्तलाहात हो सकती हैं, दूसरे अदारों से हासिल किए हुए नताइज की समरी हो सकती है, रिकॉर्ड के तौर पर हासिल किए गए नताइज हो सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर इख्तितामी मवाद में लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस यानी फहरिस्त हवाला जात। फहरिस्त हवाला जात रस्मन ही नहीं बल्कि इन उन मालूमात के लिए तैयार की जाती है जो रिपोर्ट में दर्ज होती हैं। अगर हवाला जात की तादाद कम हो तो मुतल्लिका सफ़ा के आखिर में नोट की शक्ल में दिया जाता है जिसकी निशानदही की किसी मखसूस निशान मसलन स्टार या नुक्ता से की होती है, या मतन में कोई नंबर भी लगाकर की जा सकती है। लेकिन अगर हवाला जात की तादाद ज़्यादा हो तो फिर तालीका के बाद मुकम्मल सफ़ा पर हवाला जात को ख़ास अंदाज में तरतीब देकर एक फहरिस्त तैयार की जाती है जो रिपोर्ट की मालूमात से मुतल्लिका हो, इसे फहरिस्त हवाला जात कहते हैं। तीसरे नंबर पर बिब्लियोग्राफी किताबियात, उर्दू में कह सकते हैं कुतुबनामा या किताबियात, एक तरतीब वार नंबरों पर मुश्तमल लिस्ट होती है जिसमें उन तमाम तबाशुदा दस्तावेजात का जिक्र होता है जिनसे हम रिपोर्ट की तैयारी में मदद ली हो। इसमें राइटर्स के नाम, उनकी कुतुब के नाम और तफसील से उनकी तरतीब दर्ज होती है।
पांचवें नंबर पर हमारे पास चौथे नंबर पर है ग्लॉसरी, हाशिया, तशरी या फरहंग उर्दू में कह सकते हैं। फरहंग ग्लॉसरी रिपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले तकनीकी या मखसूस अल्फाज पर मुश्तमिल एक लिस्ट होती है। इसे रीडर के नुक्ता नज़र से रिपोर्ट में शामिल किया जाता है। अगर तो मुतालिया कुनिंदा यानी रीडर रिपोर्ट के टेक्निकल या मखसूस अल्फाज का इलम रखता है या वो मुतलका फील्ड से ताल्लुक़ रखता है तो इस लिस्ट की ज़रूरत नहीं, वो मखसूस अल्फाज वगैरह को पहले से ही जानता होगा और रिपोर्ट को आसानी से समझ लेगा। लेकिन अगर इसका ताल्लुक किसी दूसरे फील्ड या शोबा से है या वो आम रीडर है तो ये हिस्सा यानी फरहंद जिसे हम तशरीह या आशिया या ग्लॉसरी कहते हैं तो ये हिस्सा जो है रिपोर्ट को उसको मुतलका फील्ड से अगर ताल्लुक रखता तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मखसूस अल्फाज जानता होगा लेकिन रिपोर्ट को आसानी से समझ लेगा इसे। लेकिन अगर वो किसी दूसरे फील्ड से ताल्लुक है या आम रीडर है तो ये हिस्सा जो बताया अभी ये ग्लॉसरी जो है रिपोर्ट में रीडर की सहूलत और उसे समझने के लिए शामिल किया जाएगा। आखिरी पॉइंट हमारे पास इंडेक्स या जिसे हम उर्दू में अशारिया कह सकते हैं। इंडेक्स मुतालिया कुनिंदा को रिपोर्ट के मवाद के मुताले में फौरी रहनमाई मुहैया करता है। यह मुतालिया कुनिंदा यानी रीडर को इस काबिल बनाता है कि किसी भी उनवान, ज़ैली उनवान या कोई भी अहम पहलू आसानी से तराश कर सके। इसको हम फहरिस्त उनवानात का ज़मीमा भी कह सकते हैं यानी टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स का ज़मीमा। ये अमूमन तवील रिपोर्ट्स में लिखा जाता है जहाँ फहरिस्त उनवानात में मुकम्मल तफसील ना दी जा सके। इसमें इंदराजात हरूफ तहजी की तरतीब से लिखे जाते हैं और साथ साथ सफ़ा नंबर भी दर्ज होते हैं। तो डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स, आज का ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक यहीं पे वाइंड अप होता है। अगले टॉपिक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।